पीएम मोदी क्वाड लीडर समिट में शामिल होने के लिए अमेरिका रवाना हुए। आज रात पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। पीएम मोदी यूएन के समिट ऑफ द फ्यूचर कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। न्यूजर्सी में प्रवासी भारतीयों से भी करेंगे मुलाकात। हरियाणा बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव आयोग से की आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। बीपीएल परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट का लालच देने का आरोप। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। 5 कैबिनेट मंत्री भी साथ में लेंगे शपथ। करीब शाम 4:30 बजे होगा शपथ ग्रहण। जम्मू कश्मीर में आज सियासत का सुपर सैटरडे। गृहमंत्री अमित शाह समेत उमर अब्दुल्ला खड़गे की आज ताबड़तोड़ रैलियां। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने गठित की कमेटियां। सुबोध कांत को बनाया गया कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष। केशव महतो को प्रदेश चुनाव समिति की जिम्मेदारी। हरियाणा कांग्रेस का दलित चेहरा कुमारी सैलजा के चुनाव प्रचार से गायब होने पर सियासत तेज। माना जा रहा है टिकट बंटवारे के बाद से कुमारी सैलजा गायब है। कुमारी सैलजा के गायब होने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, कांग्रेस के प्रति गुस्से में है दलित समाज। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा मामले में बीएसपी भी कूदी। आकाश आनंद बोले, कुमारी सैलजा को बीएसपी में मिलेगा पूरा सम्मान, उन्हें हमारा पूरा समर्थन। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राहुल और प्रियंका गांधी के प्रचार को लेकर बदली रणनीति। स्थानीय नेताओं के सहारे चुनाव लड़ने का फैसला। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को जान से मारने की धमकी। तेलंगाना के कांग्रेस विधायक वेदमा बोजू ने बिट्टू का सिर कलम करने वालों को 1 एकड़ जमीन देने का ऐलान किया। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का फिर बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस 1984 से सिखों के खून की प्यासी है। कंगना रनौत का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा, राहुल गांधी विदेश में देश के टुकड़े करने वाली बात करने से नहीं हिचकिचाते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने पंजाब सरकार से करीब 600 करोड़ का बकाया चुकाने को कहा। एक्स पर लिखा, सीएम भगवंत मान पंजाब के हालात पर ध्यान देने के बजाय दिल्ली में पार्टी की जयकार करने में व्यस्त। सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीएल संतोष, विनोद तावड़े सहित कई केंद्रीय नेता होंगे शामिल। वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रतिनिधिमंडल जेपीसी। कहा, संशोधन के विरोध में बड़े पैमाने पर समुदाय का संदेश कमेटी को सौंपा। बॉम्बे हाईकोर्ट से फैक्ट चेक यूनिट्स पर मोदी सरकार को बड़ा झटका। कोर्ट ने आईटी नियमों में संशोधन को रद्द किया। रांची में आज 5 घंटे सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट। जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा के चलते इंटरनेट बंद रहेगा। बिहार के खगड़िया में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रशासन ने टीमों को अलर्ट किया, राहत शिविर तैयार। यूपी के कासगंज में खतरे के निशान के पार पहुंची गंगा नदी। प्रशासन ने निचले इलाके के लोगों के लिए अलर्ट का निर्देश जारी किया। बिहार के दानापुर में भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। दानापुर के कई गांवों तक पहुंचा बाढ़ का पानी। यूपी के हरदोई में बाढ़ का जायजा लेने के लिए निकले सांसद जयप्रकाश की नाव बाढ़ के बीच फंसी। काफी देर तक पानी के बीच फंसे रहे सांसद और विधायक। बिहार के छपरा में गंगा और सरयू नदी की बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। गांवों तक पानी पहुंचने से मुख्यालय से संपर्क टूटा। यूपी के जालौन में मंगला नाले में आई बाढ़ से 500 से ज्यादा घर प्रभावित। प्रभारी मंत्री संजय गंगवार ने बांटी राहत सामग्री। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ प्रभावित बुजुर्ग महिला ने प्रभारी मंत्री के पैर छूकर लगाई मदद की गुहार। कभी भी कटान की चपेट में आ सकता है बुजुर्ग महिला का मकान। जम्मू कश्मीर के रियासी में सेना का ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों के घेरे में 2 आतंकी। सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर के हैं दोनों आतंकी। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में बड़ा हादसा। बीएसएफ जवानों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 3 जवान शहीद, 26 घायल। मध्य प्रदेश के बैतूल से थाने में युवक को टॉर्चर करने का वीडियो हुआ वायरल। लड़के को खिड़की से बांधकर पीटते दिखे पुलिसकर्मी। यूपी की हरदोई पुलिस के एक कांस्टेबल की गुंडई का वीडियो आया सामने। महिला पर किया जानलेवा हमला, परिवार को बुरी तरह पीटा। यूपी के गाजीपुर में युवक पर जानलेवा हमले का वीडियो आया सामने। सरेआम लोहे की रॉड और लाठियों से पीटते दिखे बदमाश। मध्य प्रदेश की मुरैना में बदमाशों की फायरिंग का सामने आया सीसीटीवी वीडियो। मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाश घर के बाहर फायरिंग करते दिखाई दिए। पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ को सीमा के करीब मिला बड़ा ड्रोन। पाकिस्तान से तस्करी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की आशंका। मध्य प्रदेश के श्योपुर में आरटीओ को रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद हटाया गया। विभाग ने शुरू की वायरल वीडियो की जांच। मध्य प्रदेश के सागर में बदमाशों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर फायरिंग की। सामने आया वारदात का सीसीटीवी वीडियो। गुजरात के अहमदाबाद में उपद्रवियों ने होटल में की तोड़फोड़। पुलिस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी की हरदोई पुलिस पर दबंगों पर कार्रवाई न करने का आरोप। आरोपियों पर पेड़ से बांधकर युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। नोएडा में एक लड़की ने रची किडनैपिंग की फर्जी कहानी। पुलिस ने लड़की को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बरामद किया।
तिरुपति में मंदिर के प्रसाद में चर्बी विवाद के बाद राजस्थान सरकार एक्शन में, राज्य के बड़े मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता की जांच कराएगी भजनलाल सरकार। महाराष्ट्र के पुणे से हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, जमीन धंसते ही से देखते ही देखते गड्ढे में समा गया म्युनिसिपल का ट्रक। हिमाचल के मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण मामले में प्रशासन का बड़ा एक्शन, काटा गया मस्जिद का बिजली और पानी का कनेक्शन, अवैध निर्माण पर चल सकता है बुलडोजर। बिहार के सहरसा में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में मछली लूटने की होड़, सीएम के जाते ही स्कूल के छात्र मछली के लिए हंगामा करते दिखाई दिए। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पहली बार शुरू किया गया तितलियों का सर्वे, दो दिन तक देशभर के विशेषज्ञ तितलियों पर तैयार करेंगे रिपोर्ट। राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ के ट्रेनिंग के दौरान मोटर फटने से तीन जवान घायल हुए, फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ हादसा। राजस्थान के बीकानेर में भारत और अमेरिका की सेना ने ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की, युद्धाभ्यास में अपाचे और ध्रुव हेलीकॉप्टरों को भी शामिल किया गया। राजस्थान में लेपर्ड का खौफ, उदयपुर में आदमखोर लेपर्ड ने एक और महिला को शिकार बनाया, 36 घंटे में आदमखोर ने तीन लोगों को शिकार बनाया। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच की वनडे सीरीज का दूसरा वनडे आज, 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया की टीम। चेन्नई टेस्ट मैच के तीसरे दिन मजबूत स्थिति में भारत, बांग्लादेश के खिलाफ 308 रनों की बढ़त, शुभमन गिल और ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद। इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में की बड़ी स्ट्राइक, हमले में हिजबुल्ला के ऑपरेशन चीफ इब्राहिम अकील को मार गिराने का दावा। हिजबुल्ला पर इसराइल के हमले जारी, हिजबुल्ला के 150 रॉकेट्स को लॉन्च करने से पहले एयर स्ट्राइक से नष्ट किया गया। हमलों पर इसराइल का बयान, हिजबुल्ला के 30 के करीब लॉन्चर और आतंकी ठिकाने नष्ट करने का दावा। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा हिजबुल्ला को बड़ी कीमत चुकानी होगी।